माझी समाज की धर्मशाला से अवैध कब्जा हटाए जाने और अनाधिकृत तौर पर निर्माण कार्य रोकने की मांग। माझी महासंघ ने नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, हटा। मंगलवार को माझी महासंघ के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार नीतू बांगड़ी को सौंपा गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि रामगोपाल जी वार्ड स्थित घोराघाट पर समाज की धर्मशाला बनी हुई है, जिसमें संदीप नामदेव एवं डब्बू रैकवार के द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा किया गया है, जिनके द्वारा धर्मशाला में अवैध गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। धर्मशाला से अवैध कब्जे हटाए जाने एवं धर्मशाला को माझी महासंघ हटा के सुपुर्द किए जाने की मांग ज्ञापन के माध्यम से रैकवार समाज के लोगों ने SDM से की है। ब्रजेश बर्मन कमल लालू रैकवार ने बताया कि विधायक निधि द्वारा धर्मशाला के निर्माण के लिए करीब 1,00,000 रुपये की राशि स्वीकृत हुई है, जिससे धर्मशाला का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो राहुल रैकवार, राजेश रैकवार, पुष्पेंद्र रैकवार एवं अन्य उनके अन्य साथियों द्वारा मनमाने तरीके से निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण गुणवत्ता पूर्ण नहीं हो रहा है, जिस पर समाज के बुजुर्गों ने नाराजगी जाहिर की है। इस कारण जो विधायक निधि से निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसे माझी महासंघ हटा के माध्यम से कराए जाने और साथ ही कब्जाधारियों पर उचित कानूनी कार्यवाही करने की मांग की। इस दौरान नर्मदा प्रसाद, नरेंद्र, पप्पू, दिनेश, आकाश, प्रमोद, जमुना, राजा, पंचू, अखिलेश, विष्णु रैकवार आदि की मौजूदगी रही। खबर हटा के साथ दीपक पटेल की रिपोर्ट। इसमें जो समस्याएं हैं, दो वर्षों से माझी समाज की धर्मशाला पर कब्जा किए हुए हैं लोग, अवैध रूप से कब्जा है, अवैध रूप के कार्य हो रहे हैं वहां पर। हमारी शासन से मांग है उसको हटवाया जाए। और बस कौन कौन कब्जा किए? संदीप नामदेव, डब्बू रैकवार, ये लोग कब्जा किए हैं और वहाँ के कुछ लोग उनका संरक्षण कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं समाज के लोग। क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं वो कब्जा हट जाए। और विधायक निधि से इन लोगों ने कुछ पैसा लिया है, उस पैसों से वो निर्माण कर रहे हैं। समाज को एकत्रित नहीं करना चाहते हैं, वो अपने ढंग से निर्माण कर रहे हैं। समाज ने पूछा तो न समाज को सूचना दी गई है, न समाज की उन लोगों को ज़रूरत है। हम लोग चाहते हैं वो कार्य भी रोका जाए और वो कब्जा हटवाया जाए, जितना जल्दी से जल्द हो सके हम लोगों को।